हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस कुमार और आप सबको स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबके अपने चैनल क्रिप्टो किंग प्रिंस के ऊपर। दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप सबके बीच एक लॉन्ग टर्म और रियल प्रोजेक्ट के अंदर बात करने वाले हैं जिसका नाम है ड्रीम कम ट्रू। दोस्तों, आई होप आप अगर मुझे देखे होंगे तो मैं जानते होंगे कि मैं हर एक चीज़ के अंदर ट्रांसपेरेंसी के साथ बोलता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है। ओके, तो अगर जो चीज़ रियल है उस चीज़ को मैं रियल बोलूँगा, जो गलत है उसको मैं गलत बोलता हूँ, ये बात आप हमें जानते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, मैं किसी भी प्रकार का पेड प्रमोशन नहीं करता हूँ। जो प्रोजेक्ट मुझे सही लगता है, जिससे मैं सेटिस्फाइड होता हूँ, उसी प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं मैं प्रमोट करता हूँ और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ और मैं उसके अंदर काम भी करता हूँ। ठीक है, तो अगर अगर आपको ऐसा लगता होगा कि मैं पैसा के लिए कर रहा हूँ या पैसा लेकर के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे तो इस बात का आप पुष्टि कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके जितने भी तरह के सवाल होंगे, मैं आपको डेफिनेटली जो है आपको सेटिस्फाइड करूँगा कि मैं आखिर इस प्रोजेक्ट को रियल क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद कहता हूँ कि दोस्तों आज मैं आप सबकी वजह से मैं सिल्वर रैंक को अचीव कर गया, वो भी मात्र 15 दिनों के अंदर, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों ने इतना प्यार दुलार और विश्वास दिखाया। और मैं आप सबसे आश्वासन देता हूँ कि मैं कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी सवाल है जो ये है कि भाई वो कौन सी रीजन है जिसके कारण आज फिनटॉक से कहीं ना कहीं लोग फिनटॉक से और भी जैसे बीडी लुक ऐसे ऐसे ना जाने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उससे लोग उसको छोड़ करके और डीसीटी के अंदर एंट्री कर रहे हैं, वो कौन सी रीजन है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। दोस्तों, हमारे साथ ज़्यादातर जो लीडर हैं वो कहीं ना कहीं फिनटॉक से आए हुए हैं और फिनटॉक से वो अनसेटिस्फाइड कहिए या जो भी कहिए उसको छोड़ करके आज हमारे ड्रीम कम ट्रू के अंदर एक बहुत बड़े लेवल का बिजनेस दे रहे हैं। मैं उन सभी को अपने दिल से और मैं बहुत संतुष्ट हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ ऐसे लोगों को कि वो सही चीज़ को समझे। दोस्तों, अगर हम बात करें फिनटॉक में इसमें क्या अंतर है, बेसिकली देखिए क्या अंतर है, मैं आपको बता दूँ, ये एक रियल प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर आपको ये डर नहीं रहेगा कि भैया वेबसाइट किस दिन बंद हो जाए, इसके अंदर आपको ये नहीं रहेगा कि भाई कंपनी बंद हो जाएगी, इसके अंदर आप किसी को सीना ठोक के कह सकते हैं कि कंपनी रियल है, आप क्या खोजना चाहते हैं वो बताओ, कंपनी का डिटेल, फाउंडर का डिटेल, क्या आपको चाहिए, वो सारा चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन उसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, सीरियसली बता रहे हैं, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिलेगा। तो यही सब रीज़न है जिस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉफिट के मामले में भी देखेंगे तो फिनटॉक इसके सामने फीका पड़ जाता है। फिनटॉक भी उतना प्रॉफिट नहीं देता है जितना ये प्रॉफिट देता है। तो भाई, जब हमें प्रॉफिट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा से अगर हम ज़्यादा प्रॉफिट अगर हमें इसके अंदर देखने को मिलता है तो मैं क्यों दूसरे सिस्टम को देखूंगा। चलिए, इस सिस्टम के साथ जितने भी हमारे टीम से लोग हैं वो सब आप लोग भी जल्दी से जल्दी सिल्वर रैंक, गोल्ड रैंक, प्लेटिनम रैंक को अचीव करें। जहाँ तक होगी हमसे सहायता, मैं आपको डेफिनेटली पूरा सहायता करने की कोशिश करूँगा प्रोजेक्ट के ऊपर। दोस्तों, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके लिए ये बहुत जानकारी चीज़ें हैं जो मैं आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों को हम देखते हैं, ओके, और किस बेस पे हम काम करें। दोस्तों, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे हम अपनी मेहनत की कमाई किसी सिस्टम के अंदर हम डालते हैं तो उसकी क्या रियलिटी है, इसके ऊपर जानना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम जहाँ पैसा डाल रहे हैं क्या वो सेफ़ है कि नहीं है। अगर कंपनी का सोर्स क्या है, कंपनी कहाँ से पैसा दे रही है, कंपनी लॉन्ग टर्म कैसे सर्वाइव करेगी, कंपनी के अंदर वो क्या खासियत है जो बाकी प्लान के अंदर नहीं है, और मैं इस कॉन्सेप्ट को क्यों ज्वाइन करूँ, सबसे पहला जो सवाल आता है यही आता है। और ये आपका अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप सही हैं और आपके अंदर ये सवाल आना चाहिए। अपने आप से सबसे पहले किसी लीडर से मत पूछिए, पहले अपने आप से पूछिए कि भाई इस प्लान के अंदर वैसी क्या है जो हमें इस प्लान को ज्वाइन करना चाहिए, क्या है वो सारी चीज़ें। चलिए, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें प्रोजेक्ट की तो प्रोजेक्ट का नाम है ड्रीम कम ट्रू, ओके। इसकी रियलिटी बताने से पहले मैं इसके सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि भाई कंपनी को हम किस बेस पे हम कह रहे हैं कि रियल। दोस्तों, आज चलिए मैं अभी आपको क्रोम ब्राउज़र के ऊपर लेकर के चलता हूं। मैं अभी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आ चुका हूं जिसका नाम है park.gift। आप चाहें तो अपने क्रोम ब्राउज़र के ऊपर इसको सर्च कर सकते हैं, park.gift ये इसका वेबसाइट है, ओके। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों, ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन द सेंस आप जानते होंगे, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का मतलब होता है जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मित्रा हो गया, मेसो हो गया, ना जाने कितने तरह के इंडिया के अंदर अभी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो आपको सर्विस अवेलेबल करता है। और कहीं ना कहीं हम लोग वहाँ पर जाकर के अपना ऑनलाइन चीज़ें परचेज करते हैं, वहाँ से हमारी जो ज़रूरत की सामान है उसको हम मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहली जो सोर्स है वो है कंपनी का, ये क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, मैं आपसे एक कॉमन सी सवाल करूँ कि आप ये बताइए, एक दिन का अमेजॉन का प्राइस, अमेजॉन की कमाई कितनी है। मैं आपसे सवाल करूं कि एक दिन का फ्लिपकार्ट की इनकम कितनी है, और मैं आपको बात करूं एक दिन का मित्रा की कमाई कितनी है। ऐसे ऐसे न जाने कितने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में आप जान सकते हैं। दोस्तों, आखिर हम बात करते हैं इसके जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है इसके अंदर वो क्या खासियत है। दोस्तों, सबसे पहली अगर हम बात करें तो ये 8 कंट्री के अंदर सर्विस अवेलेबल देती है, 8 कंट्री के अंदर, जिसमें से आप यहाँ पर स्क्रीन पर आई होप आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये 8 कंट्री है वो
मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रोल को ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, मैं डेस्कटॉप साइट कर दिया था, यहाँ पे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 8 कंट्री के अंदर ये जो है सर्विस अवेलेबल देती है, और मैं आपको फैक्ट की बात बताऊँगा। ठीक है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इंडिया के अंदर भी इसका सर्विस अवेलेबल है। और अच्छी बात ये है कि मैंने इससे एक टी शर्ट भी ऑर्डर करके मंगवाया है, जो कि मेरे पास सक्सेसफुली रिसीव हो गया है। इसका वीडियो मैं बनाया हूँ, आप अगर कहेंगे तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। ओके, मुझे सक्सेसफुली रिसीव भी हो गया। अगर बात करिए कितने कंट्री के अंदर अवेलेबल है सर्विस, तो ये 8 कंट्री के अंदर अवेलेबल है, जिसमें से श्रीलंका, कनाडा, डेनमार्क, कोरिया, रोमानिया, यूनाइटेड किंगडम, मालदीव, नाइजीरिया, इंडिया और इटली। इतने कंट्री के अंदर ये सर्विस अवेलेबल है। फीचर की अगर बात करें तो दोस्तों आज तक का इसका एक नया इनोवेशन है। आपने अभी तक, हमें नहीं लगता है कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आपने इंडिया में कभी शॉपिंग किया होगा, जहाँ तक मेरा समझ है। लेकिन इसके ऊपर आप जाकर के क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, और मैंने क्रिप्टो के माध्यम से शॉपिंग किया है, जिसका मैं आपको वीडियो दे सकता हूँ अगर आपको चाहिए तो। ओके, या आप खुद भी मंगवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है यहाँ से, तो आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। हर एक चीज़ वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, हर एक चीज़ वो मिल जाएगा, दुनिया के जितने भी प्रकार की चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। तो ये रहा इसका पहला सोर्स। अगर बात करें तो ये 2 साल से 8 कंट्री के अंदर अपना सर्विस दे रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और इसी बेस पे सबसे पहला बेस है मेरा रियल कहने का, प्रोजेक्ट को रियल कहने का, लॉन्ग टर्म कहने का सबसे पहला जो हमारा रीज़न है वो ये है कि भाई, जब किसी का 2 साल पहले से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आज आपको हम कहें कि भाई अमेजोन कंपनी बंद हो जाएगी, आपको पॉसिबल लग रहा है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई उसका खुद का कोई प्रोडक्ट ही नहीं है ना, उसका खुद का कोई है नहीं, क्या एक माध्यम है बेचने और खरीदने का। ठीक है, तो ये इसकी खूबसूरती है। अब चलिए दूसरा हम सोर्स पे बात करते हैं। दोस्तों अगर हम दूसरा सोर्स की बात करें, तो यहाँ पे अभी हम एक एक्सचेंज ओपन कर चुके हैं, जो कि टॉप 15 एक्सचेंज के अंदर आता है, और इसका नाम है डेक्स ट्रेड। आई होप आप में से बहुत सारे लोग डेक्स ट्रेड का यूज करते भी होंगे और जानते हैं कि भाई क्या फीचर है डेक्स ट्रेड का। ठीक है, और बात करें तो यहाँ पे हम सर्च करें, यहाँ पे हम एक सर्च करते हैं जेएनएक्स। यहाँ पे देखिए एक क्वाइन है जिसका नाम है जेनेक्स, आई होप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस क्वाइन को आप जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, क्या है खासियत इसकी मैं आपको बताता हूँ। इस क्वाइन को जैसे आप बिटकॉइन है, इथेरियम है, ठीक उस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। बीएनबी है, ठीक उस प्रकार से। मतलब बहुत सारा कंपनी आपने क्वाइन बेस वाला किया होगा, जिसके अंदर क्वाइन के अंदर क्या कहता है कि भाई आप हमारा क्वाइन को खरीद लो, इतने साल के लिए स्टेक पे डाल दो, आप जो है इसका एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होगा तो कहीं ना कहीं आप उसका यूज कर पाओगे, ये है वो है, आपको इतने महीने तक होल्ड करना होगा, इतने परसेंट इंटरेस्ट देंगे। देखिए कंपनी का ऐसा कुछ नहीं है, ये कंपनी का सोर्स है इनकम का। एक जेनेक्स टोकन है, जो कि अभी इसका करेंट प्राइस की बात करेंगे तो 0.33 सेंट इसका अभी करेंट प्राइस चल रहा है। और इसका उपयोग जैसे आप किसी को पेमेंट करने में, जैसे अगर हम बात करें बिटकॉइन को, इथेरियम को, ट्रोन को या बीएनबी को, उसको आप जितना मन है उतना परचेस कर सकते हैं, जिसको मन है उसको भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है कि भैया आप हम इस टोकन को आप नहीं भेज सकते। ठीक उस प्रकार से इसका जो टोकन है, इसका इस्तेमाल आप डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे आप अदर करेंसी का करते हैं। फर्क ये है, यहाँ पे आपको फीस कम लगेगा। इस पेमेंट, इस क्वाइन के माध्यम से अगर पेमेंट करते हैं तो आपको फीस कम पे करना पड़ेगा कंपेयर टू अदर टोकन। ओके, अगर हम बात करें दोस्तों इस क्वाइन के बारे में विशेष, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप बीएससी स्कैन के ऊपर जाइएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि इसका जो बनावट है, डिजाइन है, वो किस प्रकार से है, कितना प्री सेल के अंदर है, कितना क्या है, सारा चीज़ मैंने बहुत सारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों यहाँ पे हमने 2 सोर्स की अगर हम बात आपको हम बता दिए हैं। ठीक है, अब तीसरा हम अगर हम बात करें, यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों आपको गूगल पे आना है और आपको सिर्फ सर्च कर देना है ड्रीम कम ट्रू ही सिर्फ सर्च कर दीजिएगा, इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कंपनी का क्या क्या चीज़ है। लिंक्डइन प्रोफाइल आपको मिल जाएगा, जो कि अपने आप में एक कंपनी का लिंक्डइन प्रोफाइल होना बहुत बड़ी बात है, आज के डेट में हर एक कंपनी का होना चाहिए। फेसबुक पेज आपको मिल जाएगा, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम कंपनी का जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद कंपनी का यूट्यूब चैनल भी है अपना खुद का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए ड्रीम कम ट्रू, ये रहा कंपनी का ऑफिशियल चैनल, जहाँ पे आपको लास्ट वीक का भी वीडियो मिलेगा, लास्ट वीक। और मैं आपको और दिखाता हूँ, अगर हम इसके लास्ट में चले जाएँ, पूरे लास्ट में अगर हम चले जाएँ, बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारा वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 साल पुरानी वीडियो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कह सकते हैं आप कि कंपनी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, भैया ये 1 साल पुरानी कंपनी है, 1 साल से मार्केट के अंदर ये चल रही है, अब जाकर के ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट प्लान को लॉन्च किया है। बाकी इससे पहले भी ये ट्रेडिंग के ऊपर, बहुत सारी अलग अलग जो इसका बिजनेस है, इसके ऊपर ये वर्क कर रहा था, समझ रहे हैं ना। तो ये है प्लान, समझे। इस बेस पे भी मैं आपको कहता हूँ कि भैया प्रोजेक्ट रियल है। उसके बाद कंपनी का फाउंडर को मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ,
यहाँ पे देखिए, ये रहा कंपनी का फाउंडर, इसको आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये इसी का वीडियो है, ये यही प्रेजेंट कर रहा है। और आपको, आप सैटरडे को आते हैं तो आपको जूम के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मेरा कुछ सहयोगी जो कि दुबई जाकर के ऑफिस विजिट करके आए हैं, इसके टेक्निकल डिपार्टमेंट से बात करके आए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ओके दोस्तों, अगर हम बात करें कंपनी की ऑफिस की, तो जो इसका दुबई के अंदर जो ऑपरेशनल ऑफिस है, वो उसका एड्रेस आपको कुछ ये रहा, दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, शेख जायद रोड, दुबई, UAE। ओके, ये इसका एड्रेस है। तो अगर आप दुबई से हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जरूर से जरूर विजिट करें। और मेरे कुछ सहयोगी इस कंपनी को विजिट करके भी आए हैं, तो इस बेस पे मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये सिस्टम जो है, अगर ऑनलाइन रूप से अगर आपको दिख रहा है, तो ये फिजिकली भी इसका ऑफिस वगैरह सब कुछ है, जो मैं सेटिस्फाइड कर चुका हूं। और अगर आपको भी चाहिए, तो आप इसके ऊपर सेटिस्फेक्शन ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मैं आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आज की डेट में तो चल क्या रहा है, आपको कोई कंपनी मिलता है, उस कंपनी का आपको ऑनलाइन रूप से तो सब कुछ दिखता है, वर्चुअली सब कुछ देख पाते हैं, बट ऑफलाइन फिजिकली रूप से कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं होती है, और वही सिस्टम कहीं ना कहीं आगे चल के कोलैप्स हो जाता है। दोस्तों, मेरा पीछे का आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, मैंने वैलिडस को किस बेस पे ज्वाइन किया था, उसका फिजिकल ऑफिस देखने के बाद। आज आप जानते होंगे, वैलिडस 2 साल कंटिन्यू हो चुका है। डेजी ग्लोबल को हम किस बेस पे ज्वाइन किए थे, उसके बैकग्राउंड को देख के, इजराइल की सिस्टम थी। आज अभी देखेंगे तो 3 साल से कंटिन्यूस चल रही है। भाई, मार्केट में अच्छे प्लान भी होते हैं, जो सिर्फ हम जैसे लोग करते हैं, बाकी लूटने वाला आपको चारों तरफ मिल जाएगा, जो आपको ये है वो है, टॉप पोजीशन दे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके आपको गुमराह करके कहीं ना कहीं ये चीज़ कर लेंगे। तो मैं वैसे लोगों से, आप जानते हैं, मेरा ज़्यादा नाता रिश्ता रहता नहीं है, तो मैं उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा नहीं बहस करूँगा। मैं चलता हूँ आपको तीसरे सोर्स के ऊपर, हम बात करते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर आप गूगल पे आते हैं, तो गूगल पे आकर आप सर्च करते हैं जेनेक्स टोकन, अगर आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको सारा कुछ मिल जाएगा, जहाँ पे ये कहाँ पे लिस्टेड है। अगर इसका एक्सचेंज पे बात करेंगे, तो बहुत सारे एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्टेड है, क्वाइन पप्रिका हो गया, क्वाइन मार्केट कैप हो गया, बिटगेट, बैंक स्वैप, वैसे बहुत सारे कुकॉइन के ऊपर भी आपको ये अवेलेबल है। अगर इसकी ऑफिशियल साइट की बात करेंगे, तो इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ये रहा। ओके, अगर इसकी फाउंडेशन की बात करेंगे, तो ये 2021 के अंदर इसको डेवलप किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो हम प्लान के ऊपर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी समय यहाँ पे मैं ले चुका हूँ, अब मैं आपको प्लान के ऊपर लेकर के सीधा चलता हूँ, ठीक है। कंपनी का जो है, मैंने आपको बताया, तीसरी सोर्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तीसरी सोर्स की अगर हम बात करें, तो कंपनी रियल एस्टेट के अंदर बिजनेस करती है। कंपनी का जो तीसरा सोर्स है, वो रियल एस्टेट का बिजनेस है। जिन लोगों को पता होगा कि भाई रियल एस्टेट क्या होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रियल एस्टेट दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है, जो रियल एस्टेट को माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर कभी लॉस नहीं होता है। आप जानते होंगे रियल एस्टेट के अंदर, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके चलता हूं। अगर आप सड़क के किनारे आज 1 बीघा जमीन ले लीजिए, ओके, और आने वाला 2 साल के अंदर अगर आप बेचेंगे, 2 साल बाद बेचेंगे, तो डेफिनेटली मैं आपको सियोरिटी के साथ कह रहा हूं कि 5 गुना से ज़्यादा ही आप प्रॉफिट वहां पे अचीव करेंगे। इस लेवल का बिजनेस करता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसका 60% से ज़्यादा फंड रियल एस्टेट के अंदर आपका यूज होता है, बाकी का कुछ मिलाकर के आपको, जैसे इसका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर और सारी चीज़ जो है पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होता है। और ये सारा सोर्स को मिलाकर के तब आपको कंपनी जो है रिटर्न देती है। आगे हम बात करेंगे कि कितना रिटर्न देती है। दोस्तों, अगर हम चौथा इनकम की बात करें, चौथा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ पे फोर्थ इनकम की बात करें, तो कंपनी का खुद का एक डिपार्टमेंट है, खुद का एक डिपार्टमेंट इन द सेंस कंपनी के अंदर जितने भी पेड इंप्लॉय है, ठीक है, इसके अंदर एक जो डिपार्टमेंट है वो है फॉरेक्स और क्रिप्टो, दोनों के अंदर ट्रेड करती है। जी हाँ, सही आप सुन रहे हैं, कंपनी के अंदर फॉरेक्स और क्रिप्टो दोनों के अंदर ट्रेड होता है। लेकिन कंपनी का कहना है, ये हमारा सेकेंडरी इनकम ऑफ सोर्स है, अगर इसके अंदर मेरा लॉस भी हो जाता है, तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो 3 था, जिसमें से इसका क्वाइन है, कंपनी का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, रियल एस्टेट का बिजनेस है। उसके बाद अगर हम बात करें, कंपनी का बहुत तरह की और भी इनकम है, 5वां की बात करेंगे, तो कंपनी कई सारा चैरिटी चलाती है, चैरिटी के साथ कंपनी का बहुत सारा ट्रस्ट भी चलता है। ये सब मैं जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं रिसर्च करने के बाद आपको ये डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम प्लान प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आपको इसको जो है वीडियो को पोस्ट करके रीड कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी समय हो जाएगा अगर मैं सारी चीज़ों को बात करने पे उतर जाऊँ तो। उसके बाद हम यहाँ पे कंपनी एक और डिस्क्लेमर दिया हुआ है, जिसको फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन के तौर पर यहाँ पे दिखाया गया है, इसको भी आप जरूर से जरूर रीड कीजिएगा। सेकंड, अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों कंपनी का फाउंडर का नाम, तो भाई कंपनी का फाउंडर का नाम है मिस्टर अदनान अहमद, और सेकेंड है असीम जमील। दोस्तों, अगर हम बात करें, तो ये बंदा आपको रोज सैटरडे का जो स्पेशल सेशन होता है, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप जाकर के अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। असीम जमील भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि सेशन के अंदर आएगा, आपको जो भी आपको सवाल है उसको आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ये समझ आता है कि भैया जो कंपनी का फाउंडर है ना, वो जीवित है, किसी का नाम का यूज नहीं हो रहा है, सामने है आपका, ठीक है। तो किसी चीज़ को जब आप अपनी आंखों से देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपका और ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ता है, और इस बेस के माध्यम से भी आप ये कह सकते हैं कि भाई प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का है। ओके, चलिए, मैं उसके बाद की अगर हम बात करें, तो मैनेजमेंट जो कि यहाँ पे कंपनी का मैनेजमेंट है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये सारा का सारा पेड इंप्लॉय है, जो कंपनी के अंदर एज अ
वर्कर काम कर रहा है और ये सब सैलरी बेस पे रखा गया है जो अलग अलग कंट्री के अंदर है। ये सारे के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो ये सबका आपको सोशल मीडिया अकाउंट देखने को मिल जाएगा, जिसको आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। भैया हमने ये सबको चेक किया है, अब मैं चेक करने पर जाऊँगा तो काफ़ी समय हो जाएगा, ठीक है। आप इस सबको चेक कर सकते हैं, ये मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो ये आई टी डिपार्टमेंट है और ये सब जीवित लोग हैं, ऐसा नहीं है कि नाम का यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। जाइए, उस्मान भाई का आप बहुत ही चर्चित फेस के आदमी हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आप चाहें तो कहीं भी गूगल पे भी जाकर के सर्च कर लीजिएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहिए तो सब के सब लोग जो है जीवित है, जीवित मतलब समझ रहे हैं ना, बाकी प्लान के कंपैरिजन में मैं बता रहा हूँ, नाम यूज नहीं किया गया है सिर्फ, ओके। यहाँ पे हम बात करेंगे, आईटी डिपार्टमेंट रहा ये। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लॉकचेन डिपार्टमेंट है, जो इसका जो इसका टोकन है, टोकन का जो काम है वो संभालता है, किसी का पेमेंट है, डिपॉजिट है, तो ये इसका ब्लॉकचेन का डिपार्टमेंट है। अगर हम बात करें दोस्तों कंपनी का ऑफिस की, तो कंपनी का ऑफिस दो जगह पे है, एक है आपका आयरलैंड के अंदर, एक है दुबई के अंदर, ठीक है। तो जो कंपनी का फाउंडर है वो सप्ताह के अंदर दो तीन दिन वहाँ, दो तीन दिन यहाँ रहता है इसके अंदर, और आपको मैं एड्रेस दे ही चुका हूँ कि दुबई के अंदर कहाँ पे है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी का मैंने बताया था कि कंपनी का खुद का जेनेक्स टोकन है, जिसको आप कंपेयर कर सकते हैं बिटकॉइन या जो भी अभी यूज़ करते हैं, जैसे बाइनांस टोकन को ले लीजिए ना, तो उसको आप 100% आप इसका यूज कर सकते हैं किसी भी सेक्टर के अंदर, किसी को भेजना हो, ट्रांसफर करना हो, ट्रेडिंग करना हो, फ्यूचर में करना हो, स्पॉट में करना हो, कुछ भी करना हो ये कर सकते हैं, जस्ट लाइक अदर टोकन टू, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों के अंदर, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं। जेनेक्स का फीचर दिया हुआ है कि आप इसका उपयोग आप पेमेंट मेथड में कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर कर सकते हैं, वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर में कर सकते हैं, बर्निंग के अंदर कर सकते हैं, किसी एक्सचेंज के ऊपर जाके स्टेकिंग में डाल सकते हैं, एसेट रिवार्ड के अंदर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं ये टोकन आपको 2024 में बाइनांस के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये MLM टोकन नहीं है, प्लान के अंदर टोकन से कोई लेना देना नहीं है, ओके। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, न तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भैया ये तो टोकन वाला प्लान है, ये खरीद लो, इतना टोकन किन लो, ये होने, वैसा नहीं है। ये टोकन प्लान से कोई लेना देना नहीं, कोई रिलेट ही नहीं करता है। ये मैं आपको एक बेस के लिए बता रहा हूँ, जो कंपनी का ये सारा सोर्स ऑफ इनकम है, समझ के देखिए। वर्ल्ड वाइड कितने ट्रेडर होगा जो आज BTC को ट्रेड करता है, आप उसको समझ मतलब कह नहीं सकते हैं कि कितने ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इनविजिबल है, समझे। तो वहाँ पे जो ट्रेडिंग कोई भी करता है, तो भाई जब आप किसी क्रिप्टो को बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो फीस करता है ना, वो फीस करता है तो किसको होता है, कंपनी का होता है। तो इस ये एक इसका माध्यम है, और ये अपने फ्यूचर को इतने अच्छा से देखा है भाई कि आने वाला समय में, अभी तो कुछ नहीं, आने वाला समय में ये बहुत बड़े लेवल का ये काम इसका होगा। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इसके क्वाइन को लोग जानना जब स्टार्ट करेगा तो और ज़्यादा यहाँ पे हाइप क्रिएट होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम बात करते हैं। कंपनी की बात करें तो कंपनी खुद एक एजुकेशन प्रोवाइड करती है, कंपनी किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग के रूल को फॉलो करता है, और यहाँ पे आपको एजुकेशन दी जाती है, वो भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी टर्मिनोलॉजी और एंड प्रिंसिपल के ऊपर, ब्लॉकचेन एवं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर नॉलेज दिया जाता है, और भी सारा टाइप्स ऑफ वैलेट, हार्ड वैलेट, सॉफ्ट वैलेट, ये सब क्या होता है, ये सारे के ऊपर एक्सचेंज क्या होता है, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे एजुकेशन के तौर पे सिखाया जाता है। आप जो भी लैंग्वेज में समझे उस लैंग्वेज में आप सीख सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एजुकेशन पैकेज की, तो दोस्तों यहाँ पे तीन प्रकार के एजुकेशन पैकेज है, जिसमें से नंबर वन पे है बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस। बिगनर के अंदर हम बात दोस्तों अगर हम बिगनर के अंदर बात करें तो बिगनर के अंदर आपको $99 का, $249 का, $449 का। उसके बाद इंटरमीडिएट के अंदर अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये आपका इंटरमीडिएट का है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं $999 से लेकर के और $1500 तक मैक्सिमम जो है यहाँ पे, ये सॉरी $7,499 यानी $7,500 तक का इंटरमीडिएट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और एडवांस के अंदर आप मैक्सिमम $50,000 तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सभी के ऊपर आपको लेवरेज सेम मिलने वाला है, ओके। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों आपको कंपनी जो है 200 दिन तक आपको रिवार्ड देगी, जो भी आप पैकेज लिए हैं उसका वैलिडिटी जो है सिर्फ और सिर्फ 200 डेज तक है, या आप यहाँ पे 5 गुना तक आप अर्न कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, या यहाँ पे छिप गया है, मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, या आप 5x तक जो है इनकम ले सकते हैं, 5x यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक आदमी एक पैकेज को कई बार ले सकता है, मैक्सिमम 10 बार भी आप एक पैकेज को ले सकते हैं। PA का मतलब होता है भैया पर्सनल एसेट, और $1 PA का मतलब होता है $1, ठीक है। तो PA की जगह पे आप जो है USDT को समझे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो $1 PA का मतलब होता है $1, तो इस बात में आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। $1 PA इज इक्वल टू $1, यानी $1 PA इज इक्वल टू $1, ओके। और सेकेंड अगर बात करें तो BP, यहाँ पे BP का यूज हुआ है, यानी $5 इज इक्वल टू $1 BP, ठीक है। तो इसमें आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, मैं क्योंकि USDT के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि PA वाला में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कंपनी आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, चाहे आपका इंटरमीडिएट हो, चाहे आपका बिगिनर हो, चाहे आपका एडवांस हो, सबके लिए रूल बराबर है, सबका जो है आप, क्योंकि आप पार्टनर हैं कंपनी के, तो जितने भी आपको यहाँ पे हिस्सेदारी मिलती है, ठीक है, हिस्सेदारी आपको डेली का अप टू 3% तक आपको डेली का प्रॉफिट आपके ऊपर मिल सकता है। इसको हम ROI नहीं कहेंगे, लेवरेज कहेंगे, जिसमें से किसी दिन आपको 1.5% भी मिल सकता है, किसी दिन आपको 2% भी मिल सकता है, किसी दिन 2.5% भी मिल सकता है, और किसी दिन आपको यहाँ पे 3% भी मिल सकता है। जो आपको मैक्सिमम जो मिलेगा वो 3% तक आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली एक और चीज़ है, यहाँ पे आप इस चीज़ को केयरफुली समझिए, जो आपके समझना, और इस बेस पे भी आप कह सकते हैं कि नहीं, कंपनी लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए मार्केट में आई है और ये लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है एक चीज़, यहाँ पे आपको जो भी
रिवार्ड मिलेगी वो आपके इन्वेस्टमेंट की 75% के ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। 75% के ऊपर आपको इसलिए मिलेगा कि भैया 25% कंपनी जो है अपने पास रखती है आपका फंड इमरजेंसी के लिए, या जो भी आप समझिए, यहाँ पे आपको 75% के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये है, तथ्य ये है कि भाई कंपनी को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है, इसलिए जो कंपनी टीम के अंदर बांट देती है 75% के ऊपर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसके पीछे का तर्क ये है कि भाई कंपनी के अंदर पैसा जो है 25% टीम में बढ़ जाता है। जब आप आईडी लगाते हैं तो 25% कहीं ना कहीं टीम के अंदर बढ़ जाता है। तो बहुत सारा कंपनी में आपने इसे पहले देखा होगा जो कहीं ना कहीं नहीं सर्वाइव कर पाता है, वो क्या करता है, टीम में बांटने के बावजूद भी आपको 100% के ऊपर देता है। भैया जब कंपनी में पैसा ही 75% पहुंचा है तो आखिर वो 100 के ऊपर दे कहां से रहा है, लॉजिक समझिए। तो इस वजह से इसको ये जो है 75% के ऊपर आपको प्रॉफिट दे रहा है, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। 75% के ऊपर आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, अप टू 3% डेली इन द सेंस, किसी दिन आपको, मैंने आपको बताया उस प्रकार से आपको प्रॉफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला आता है टीम वर्क। टीम वर्क के अंदर जो है यहाँ पे आपको सबसे पहला इनकम आपको देखने को मिलता है, डायरेक्ट इनकम, ठीक है। डायरेक्ट इनकम के अंदर चाहे कोई भी पैकेज से आपके नीचे आपके डायरेक्ट में स्पॉन्सर होता है तो उसका आपको 8% इंस्टेंट आपको देखने को मिल जाता है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट इनकम। दोस्तों ये प्लान अपने आप में एक अजूबा है, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे पहले आप जो भी प्लान देखे होंगे उसके अंदर आप अगर लेवल प्लान है तो सिर्फ लेवल ही रहता है, बाइनरी प्लान है तो सिर्फ बाइनरी ही रहता है, लेकिन ये एक ऐसा प्लान है जिसके अंदर आपको लेवल और बाइनरी दोनों का फायदा आप उठा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेवल इनकम है जिसके अंदर अगर आपका पैकेज बिगिनर के अंदर है तो आपको 3 लेवल तक मिलेगा, इंटरमीडिएट के अंदर अगर आपका पैकेज है तो भैया 5 लेवल तक मिलेगा, और अगर आपका एडवांस के अंदर है तो आपको 7 लेवल तक का इनकम आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसमें से फर्स्ट लेवल पे, फर्स्ट लेवल आप समझिए आपने जिसको डायरेक्ट किया ये आपका हो गया डायरेक्ट, लेकिन ये बंदा किसी को जब करेगा तो वो आपका होता है फर्स्ट लेवल, उसके बाद सेकंड लेवल, उसके बाद थर्ड लेवल, ऐसे होता है। तो यहाँ पे आपको लेवल इनकम भी मिलता है जिसमें से फर्स्ट लेवल पे 3%, 2%, 1%, फोर्थ लेवल पे भी 1%, फिफ्थ लेवल पे भी 1%, सिक्स पे भी 1%, सेवन्थ पे भी आपको 1% इनडायरेक्ट इनकम देखने को भी आपको मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे बाइनरी यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट वाली सिस्टम है, इसमें एक तरफ का बिजनेस आपका कहीं ना कहीं पावर लाइन से आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको जैसे ही दोनों तरफ का बिजनेस काउंट होता है यहाँ पे आपको 3 तरह का इनकम आपको मिलता है, जिसमें से आपको यहाँ पे 8%, यहाँ पे देखिए बीपी का है, बीपी का ये 40% लिखा हुआ है, बीपी यानी यार ये क्या हो जा रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे 8% आपको बाइनरी मिलता है, यहाँ पे 40% लिखा हुआ, इसका मतलब है कि भैया 1 BP इज इक्वल टू, मैंने पीछे बताया 1 BP इज इक्वल टू $5, ठीक है, $5 बराबर 1 BP होता है। तो इस हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको डायरेक्ट सेल पे आपको बाइनरी जो है वो आपको 8% का आपको यहाँ पे बाइनरी मिलेगा, 8%, 9% और ये आपको 10% आपको यहाँ पे बाइनरी इनकम देखने को मिलता है। अगर आपका पैकेज बिगिनर है तो आपको 8% मिलेगा, अगर आपका पैकेज इंटरमीडिएट है तो आपको 9% मिलेगा, और यदि आपका पैकेज एडवांस है तो आपको मिलेगा 10%। चलिए नेक्स्ट के ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे है रिपीट बोनस। रिपीट बोनस मैं आपको बताता हूँ, देखिए सिस्टम के अंदर क्या है, कैपिंग है जो कि सिस्टम को मजबूत बनाता है। किसी भी सिस्टम के अंदर कैपिंग और रिपर्चेज सिस्टम है, मैंने देखा है वो सिस्टम बहुत लंबा चलता है। देखिए मैं नहीं कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि भैया ये कॉन्सेप्ट कितने दिन चलेगा, लेकिन मैं आपको इस विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि भाई साहब 5 साल ये सिस्टम बिल्कुल, मैं आप चाहे तो आप इस बात को मैं लिख के आपको दे सकता हूँ, 5 साल तक आराम से चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का आप तर्क को समझेंगे तो यहाँ पे रिपर्चेज सिस्टम भी है, कैपिंग भी है, दोनों चीज़ है। यहाँ पे एक आदमी अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट के 5 गुना से ज़्यादा नहीं कमा पाएगा, 5 गुना से ज़्यादा जैसे ही होगा उसका खुद का इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जब भी किसी का 5 गुना वो कमा लेता है या उसका 200 दिन का पैकेज एक्सपायर हो जाता है तो वो फिर से जब वो लेता है अपना पैकेज को तो वहाँ पे आपको फिर से 8% डायरेक्ट का और 8% बाइनरी इनकम आपको देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट भी इनकम आपको जो है लेवल इनकम भी, तीनों इनकम आपको फिर से देखने को मिलता है। तो समझिए एक ही आदमी से आप रिपीटेड टाइम पैसा कमाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक बार मिल गया तो नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे रिपीटेड टाइम आपको यहाँ पे इनकम मिलेगा, क्योंकि या तो 200 दिन है, 200 दिन में या तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा, या हो सकता है आपको 5 गुना मिले, 3 गुना मिले, 4 गुना मिले, जो भी मिले, या आप मैक्सिमम 5 गुना तक तो अर्न नहीं कर सकते हैं, 500% तक। तो फिर से जब वो करेगा तो सारा इनकम आपको फिर से मिलेगा, जो कि प्लान के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ प्लान को मजबूती देता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रेसिडुअल इनकम। रेसिडुअल इनकम लेने के लिए आपको यहाँ पे रैंक अचीव करना होगा, मतलब स्टार्टिंग रैंक की अगर हम बात करें तो भैया $2,00,000 का जब आप बिजनेस करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको यहाँ पे 2 लाख, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, $2,00,000 का आप बिजनेस अगर करते हैं तो आप रैंक रेसिडुअल इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अंदर क्या है, आपके फर्स्ट लेवल पे जितने भी लोग ज्वाइन रहेंगे उसके इनकम का आपको 3%, उसके इनकम का 3% आपको डेली मिलेगा लाइफ टाइम तक। उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव में अगर चले जाते हैं तो उसके आपको 2 लेवल तक मिलेगा, फर्स्ट लेवल के बंदा से भी उसके इनकम का 3%, सेकेंड पे भी आपको 2%, ऐसे करते करते दोस्तों यहाँ पे 9 लेवल तक का आपको इनकम देखने को मिलता है, और 9वें लेवल के बंदे से आपको 1% उसके इनकम का हो जाता है। सोच के देखिए, अगर आप रेसिडुअल के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं या इसको आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो इस लेवल पे आपका इनकम कितनी बड़ी हो सकती है, कितना बड़ा हो जाएगा, इस चीज़ को आप एक बार सोच के देखिए कि एक लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, ये आपको समझा देगा।
ओके चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे जो है क्विक स्टार्ट बोनस, क्विक एक स्टार्ट बोनस कंपनी आपको मोटिवेशन के तौर पे यहाँ पे आपको देती है कि भाई अगर आप कंपनी के अंदर ज्वाइन होते हो और 30 दिन के अंदर जो भी आप बिजनेस करते हो उसके ऊपर तो मैं आपको 8% डायरेक्ट का, इनडायरेक्ट का और बाइनरी आपको देता हूँ, लेकिन जो भी आप डायरेक्ट से बिजनेस करेंगे उसके ऊपर मैं आपको 4% और आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा, यानी डायरेक्ट पे आपको 12% का आपको इनकम यहाँ पे मिलेगा 30 दिन तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम बात करते हैं। यहाँ पे टीम ट्रेनर बोनस, अगर आप टीम ट्रेनर बोनस के अंदर 30 दिन के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं, मतलब आप ज्वाइन किए, आपने किसी को ज्वाइन किया और उसके नीचे अगर दो बंदे ने वो लेफ्ट और राइट कर दिया तो भाई वो आप टीटी बन जाते हैं, टीम ट्रेनर, और यहाँ पे कंपनी आपको कितना है $50 का रिवार्ड देती है आपको, पहला रिवार्ड, ठीक है। समझ लीजिए कितना आसान है और कितना बेहतर प्लान है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है दोस्तों रैंक और रिवार्ड, कुछ रैंक और रिवार्ड है जिसको आप यहाँ पे समझिए। यहाँ पे रैंक और रिवार्ड के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहला है ब्रोंज, ठीक है। ब्रोंज के अंदर आपको यहाँ पे 1000 BP यानी $5000 का बिजनेस चाहिए, अगर आप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे पिन हो जाता है। आपको यहाँ पे जो विड्रॉल का लिमिट जो शुरुआत में $500 का है एक दिन का, उसको बढ़ा करके यहाँ पे $1000 तक आप डेली का विड्रॉल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आपके एक स्पॉन्सर आपके डायरेक्ट से होने चाहिए। उसके बाद हम सेकंड की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे है नेक्स्ट सिल्वर, जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और इतने कम समय में मुझे सिल्वर रैंक पे पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, दिल की गहराइयों से भाई प्रेम पूर्वक धन्यवाद कहते हैं। मैं बहुत खुश हूँ और शुभकामना है आप सभी को कि आप सब लोग भी जल्दी से जल्दी इस रैंक को अचीव करें, इससे आगे बढ़े और एक नई इतिहास रचें हम सब साथ में, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 2500 BP यानी हम बात करें $12,500 का बिजनेस अगर करते हैं तो यहाँ पे आपको $150 का रिवार्ड मिलता है और आपको यहाँ पे जो विड्रॉल कैपिंग है वो $1500 तक डेली का विड्रॉल कर सकते हैं। वन डायरेक्ट जो है यहाँ पे कंडीशन है, जो क्वालिफिकेशन है रिक्वायरमेंट, वो एक एक टीम मेंबर डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड बाय ईच टीम, आपके प्रत्येक टीम से एक आदमी जो है स्पॉन्सर होने चाहिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड के अंदर आपको सेलेक्ट होने के लिए आपको $35,000 का $35,000 का आपको बिजनेस चाहिए। अगर आप यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेते हैं आपका जो डेली का जो विड्रॉल का लिमिट है वो बढ़ा करके $2000 कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं इसका जो क्वालिफिकेशन है वो 2 एक्टिव मेंबर डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड बाय ईच टीम, ओके। नेक्स्ट की अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड की तो यहाँ पे प्लेटिनम है, प्लेटिनम के अंदर आपको सेलेक्ट होने के लिए $75,000 का जब आप बिजनेस कर देते हैं, ठीक है, तो $75,000 पे आपको मिलता है, आप प्लेटिनम बन जाते हैं, आपको यहाँ पे एक आईपैड आईफोन मिलता है या आप रिवार्ड के तौर पे आईफोन ले लीजिए भैया, या $800 का रिवार्ड ले लीजिए, $3000 का आपका कैपिंग हो जाता है। और यहाँ पे जो है कंडीशन इसको आप यहाँ पे रीड कर लीजिए जिसको आप यहाँ पे देखिए। नेक्स्ट रिवार्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे है भाई आपको यहाँ पे नेक्स्ट रिवार्ड के अंदर आपको एक मैकबुक मिलता है, या तो $1500 का रिवार्ड ले लीजिए या मैकबुक आप ले लीजिए और यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह को आप यहाँ पे रीड कर लीजिए, देख लीजिए। नेक्स्ट की अगर हम बात करें बाकी चीज़ें मैं आपको जरूर बताऊंगा, सेशन के अंदर अटेंड कीजिए, ये सबको मैं डीपली तरीके से मैं आपको बताऊंगा क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, ना चाहते हुए भी समय यहाँ पे लग गया, ठीक है। देखिए प्लान ही कुछ ऐसा होता है कुछ जिसके अंदर ना चाहते हुए भी समय देना पड़ता है, तो यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर आपको मिल सकता है $7500 का आप रिवार्ड ले लीजिए या 5000 या आप ये स्मार्ट वॉच ले लीजिए रोलेक्स का, और कंडीशन ये रहा यहाँ पे। नेक्स्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट यहाँ पे ये जब आप इमरडेंट के अंदर चले जाते हैं तो आप इन तीनों गाड़ी में से किसी को भी ले सकते हैं, या तो आप इसको ले लीजिए, ठीक है, या तो आप ई क्लास ले लीजिए, या ये ले लीजिए, या ये ले लीजिए, या आप $40,000 का रिवार्ड ले लीजिए, जो आपको लगे वो। डेली का विड्रॉल जो आपका लिमिट है वो $6000 का है, डेली तक आप विड्रॉल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे तो है रूबी, रूबी के अंदर आप जाते हैं तो इन तीनों गाड़ी में से किसी को भी आप एक को ले सकते हैं या $50,000 का रिवार्ड ले सकते हैं, डेली का $10,000 तक आप विड्रॉल कर सकते हैं, कंडीशन यहाँ पे ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो चले जाते हैं आप डायमंड के अंदर, और डायमंड के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे आप ये गाड़ी मिलता है रेंज रोवर, या आप $1,00,000 का रिवार्ड ले सकते हैं, डेली का जो विड्रॉल लिमिट है वो $15,000 एक दिन का होगा। उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें तो दोस्तों है डबल डायमंड, डबल डायमंड के अंदर आपको ले सकते हैं फिरारी या $2,00,000 का रिवार्ड, या डेली का जो विड्रॉल लिमिट है वो आपको $2,000 का हो जाता है और $2,000 तक आप डेली का विड्रॉल कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें दोस्तों अचीवमेंट, अचीवमेंट के अंदर जो है नेक्स्ट है आपका वाइस प्रेसिडेंट, इसके अंदर आपको $1,000,000 का ये ले सकते हैं, या आपको एक सुनहरा हवेली, इसको कहिए घर नहीं कहिए हवेली, ले सकते हैं भैया बिला, या डेली का जो विड्रॉल का लिमिट है वो $25,000 का हो जाता है। नेक्स्ट की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको प्राइवेट आपको एक जहाज, पनिया जहाज जिसको कहते हैं हमारे भाषा में, तो भाई पानी वाला जहाज कहते हैं आपके तरफ क्या पता है नहीं, या $5,000,000 का रिवार्ड ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट रिवार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट रिवार्ड यहाँ पे, उसके बाद ये रहा कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक कूट है बहुत अच्छा जो बिल गेट्स ने लिखा है कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। सही बात है कहीं ना कहीं कि यदि आप गरीब घर के अंदर पैदा हो जाते हैं तो भैया इसमें आपका कोई गलती नहीं है, इसमें आपका बिल्कुल भी गलती नहीं है कि आप गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन अगर आप उसी जगह पे उसी घर में उसी गरीबी में आप मर जाते हैं, आप अपने बच्चों को एक उच्च स्तर का शिक्षा नहीं दे पाते हैं, आप अपने उस सपना को उस ड्रीम को अचीव नहीं कर सकते हैं, तो भैया इसमें आपका पूरा का पूरा
आपका यहाँ पे गलती होगा। क्यों? क्योंकि भाई जो सक्सेसफुल आदमी है ना उसके पास भी 24 घंटा का ही समय मिलता है, आपके पास भी 24 घंटे का ही समय है, उसके पास भी भगवान ने दो आंख दो हाथ दो पैर दिया है, आपके पास भी वही चीज़ है, फिर वो अमीर है और आप गरीब क्यों है? इसके पीछे का है आपका सोच, आपका सोचने की क्षमता। आप जो चीज़ वो सोच सकता है वो आप नहीं सोच सकते हैं, वो जो चीज़ करता है वो आप नहीं कर सकते हैं, वो रिस्क लेने से पीछे नहीं हटता है, नई अपॉर्चुनिटी नई चीज़ों को सीखने में वो इंटरेस्ट रखता है, आप नहीं रखते हैं, तो भैया आप गरीब रह जाते हैं, वो अमीर हो जाता है। ज़्यादा बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है, आप भी अमीर बन सकते हैं, इसके ऊपर किसी और दिन मैं बात करूंगा। अभी हम बात करें कंपनी की अचीवमेंट की, तो भैया सबसे पहले मैं आपको बताऊं कंपनी खुद जो है एक एजुकेशन, आप जानते हैं एजुकेशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद कंपनी यहाँ पे कंपनी का खुद का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इसने लॉन्च कर चुका है, कंपनी रियल एस्टेट के अंदर बिजनेस करता है, कंपनी का जो खुद का एक नेटवर्क है, उसके बाद कंपनी का खुद का क्वाइन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बाद बहुत सारा अभी और प्रोजेक्ट है जो इसका अपकमिंग है जो आपको समय के साथ आपको देखने को मिलेगा। आई होप ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत हो तो भैया कमेंट के अंदर डाल सकते हैं, और रह गई देखिए हमारे साथ जस्ट अ फ्रेंड, जो आपके मन में आए वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, गलत हम बोल रहे हैं तो गलत कहिए, सही कह रहे हैं तो सही कहिए, बाकी मैं आपको इतना आश्वासन जरूर दे सकता हूं कि कंपेयर टू अदर सिस्टम ये सिस्टम डेफिनेटली अच्छा है। मैं ये नहीं कहता हूं और मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कंपेयर टू अदर सिस्टम आज तक का इतिहास में, क्योंकि देखिए अगर आप कंपनी को नहीं देखते हैं ना, सर मैं फेस पे काम करता हूं, मेरे पास भी लाखों अपॉर्चुनिटी आती है, मैं चाहूं तो बहुत पैसा कमा सकता हूं, लेकिन मैं वैसे प्रोजेक्ट के अंदर काम नहीं कर सकता करता हूं जहां पे हमारा फेस वैल्यू खराब हो, ठीक है। तो आप हमारे ऊपर हमारे पीछे का वर्क पे बिलीव करके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, आप हमारे साथ $100 से शुरुआत करें, साथ सिर्फ और सिर्फ $100 से शुरुआत करें, $100 से शुरुआत करने के बाद आई विल श्योर दोस्तों यही $100 को हम आपको लाखों डॉलर तक पहुँचाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है, कमिटमेंट है। ओके, चलिए आई होप आपको वीडियो कैसा लगा होगा जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।